हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विथ फन। फ्रेंड्स, आज मैं एक लड्डू की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो वो लड्डू मुरमुरे से मैं बनाऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मुरमुरे ले लिए हैं और गुड़ ले लिए, बस ये दोनों चीज़ों से ही हम मुरमुरे का लड्डू बनाएंगे। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई बिठा लिया है, अब मैं इसमें गुड़ को डाल दूंगी। पहले हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। इसे हम चलाते जाएंगे तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। देखिए गुड़ थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रहा है, पर हमें आंच को धीमी ही रखना है। धीमी आंच में ही हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मुरमुरे के लिए 250 ग्राम गुड़ लिया है। देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है, पर इसमें अभी हम मुरमुरे नहीं डालेंगे। जैसे कोई मिठाई बनाते टाइम चीनी की चाशनी में एक तर आता है, देखते हैं ना, वैसे ही गुड़ के लड्डू जब हम बनाएंगे तब हमें पानी में डाल के गुड़ को थोड़ा चेक करना है। तो अभी गुड़ नहीं बनाएं, इसको धीमी आंच में ही हम अभी बिठाएंगे। देखिए गुड़ में बबल आना शुरू हो गए, तो चलिए हम गुड़ को थोड़ा चेक कर लेते हैं। एक कटोरी में पहले पानी लेंगे और थोड़ा गुड़ लेके पानी में डाल देंगे। गुड़ को उठाएंगे, देखिए एक बॉल जैसे बन रहा है, इसका मतलब गुड़ हमारा परफेक्टली बन गया है। अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अभी गुड़ में हम मुरमुरे को डाल देंगे। देखिए अच्छी तरह डाल के मिला लेंगे। अच्छी तरह मिला लेंगे इसे। ये हमारा अच्छी तरह मिल गया है। अभी हम कढ़ाई को गैस से उतार लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ा ठंडा, पूरा ठंडा नहीं, थोड़ा ठंडा होने के बाद मुरमुरे के लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसको गैस से उतार लेती हूँ। देखिए ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इसको पूरा ठंडा नहीं करना है। ऐसे ही एक कटोरी में हम पानी ले लेंगे। लड्डू बनाते टाइम हम घी या तेल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये गर्म है, इससे हमारा हाथ जल सकता है। तो इससे पानी थोड़ा लेंगे, हाथ को गीला कर देंगे, इसमें से मुरमुरे लेकर हाथ में लड्डू बनाना शुरू करेंगे। देखिए गर्म है, देख कर हमें करना है। छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं, मेरे बच्चे को छोटे छोटे पसंद है, इसलिए मैं छोटे छोटे बना रही हूँ। देखिए ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बनेगा, इसलिए इसे थोड़ा गर्म रहते टाइम ही हमें बनाना है। देखिए पानी ऐसे ले लेंगे। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, एयरटाइट कंटेनर में आप रखेंगे तो 15 से 20 दिन आराम से रह जाता है। और बच्चों को खाने में भी ये बहुत पसंद आता है।
देखिए मैं एक बड़ा वाला भी बना रही हूँ। आपकी पसंदीदा आप शेप दे सकते हैं इसको, बीच बीच में ऐसे नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हम कर लेंगे। मैं आपको सारे मुरमुरे के लड्डू बना के दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सारे मुरमुरे के लड्डू बना लिए हैं, आप बनाइए, बच्चों को तो पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।